अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं UPTET एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 23 फरवरी 2023 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, यूपी का दोस्तों बजट आ चुका है। योगी सरकार ने पेश किया 6.90 लाख करोड़ का बजट। पूरी अपडेट अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। युवाओं ने कहा, शिक्षा के लिए टैबलेट और फोन की नहीं, बेहतर शिक्षकों की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, जब बेहतर शिक्षक होंगे तो सिंपल सी बात है, अच्छी खासी वैकेंसी भी निकल कर आएगी सामने। 5 दिन में पकड़े गए 65 साल्वर। सीटेट रिजल्ट की तारीख घोषित। सीटेट को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी खुशखबरी है, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। यूपी सुपर टेट विज्ञापन 2023, तकरीबन 51,112 पदों पर वैकेंसी की घोषणा जल्द ही हो सकती है। केवीएस का दोस्तों एग्जाम हमारा शुरू हो चुका है। अगर अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए। जल्दी से आप लोग को अपना अच्छा सा पेपर देना है। बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट की पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की जो बड़ी खबर है। तो बड़ी खबर क्या है दोस्तों, पहले जरा देखते हैं यूपी टेट में क्या क्या अपडेट्स है और कौन कौन बच्चे इसके लिए पात्र रहेंगे इस बार, और उत्तर प्रदेश टीईटी चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश एजुकेशन शिक्षा बोर्ड की तरफ से यूपी टेट का नोटिफिकेशन फरवरी में किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। आज 23 तारीख हो गई है। उम्मीद थी दोस्तों कि हमारी फरवरी में अब तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। दिक्कत क्या है ना, पहले हमारा यूपी टेट का पेपर पीएनपी कराती थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी, लेकिन इस बार नए आयोग के गठन की बात सामने आ गई, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी लेट लतीफी हमें देखने को मिल रही है। एक और यहाँ पर सभी बच्चों के मन में सवाल होगा कि जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा वो कौन सा आएगा, यूपी टेट 2022 का आएगा या यूपी टेट 2023 का आएगा। अब उम्मीद ऐसी लग रही है कि 2023 का आएगा। अगर 2023 का नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा तो जो यूपी टेट का पेपर हर साल दिसंबर में होता था उसका क्या होगा, तो वहां पर एक दिक्कत सामने आ जाएगी। तो देखते हैं सरकार क्या करती है इस बार। ठीक है, और इसकी परीक्षाएं अप्रैल में जारी की जा सकती है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले टीचर पद के लिए बहुत सारी पदों को भरा जाएगा और जल्द ही एग्जाम करा लिया जाएगा। इसके लिए मोदी जी ने ट्वीट के माध्यम से शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी एग्जाम जल्द करा लेने के आदेश दिए हैं। फिलहाल आधिकारिक वेबसाइट पर कोई नोटिस जारी नहीं की गई है, यह जल्द ही जारी कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, जी हाँ जल्द से जल्द आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। बाकी जितनी भी यूपी टेट मैथ्स की स्पेशल वीडियोस होंगी, जी हाँ दोस्तों उसकी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिन बच्चों को मैथ्स में बहुत दिक्कत थी, कोचिंग नहीं मिल रही थी अच्छी खासी, तो हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं और एक एक क्वेश्चन की वीडियो बना रहे हैं। अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया, हाई लेवल, लो लेवल, कठिन, सरल, जो भी क्वेश्चन थे सब कुछ हम बता रहे हैं। चैप्टर वाइज वीडियोस है, देख लेंगे, अच्छा खासा आपको फायदा होगा। आने वाले टाइम में किसी भी समय किसी भी शिक्षक भर्ती में आप सम्मिलित होंगे, कहीं पर भी अगर मैथ का सवाल होगा तो उससे आपको वीडियो में फायदा मिलेगा। अच्छी बात यह होती है जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं और उन चैप्टर में उन क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो कि पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तब बहुत ही ज्यादा मजा आती है। क्योंकि देखिए, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो हमेशा कठिन होते हैं, हार्ड क्वेश्चन होते हैं। जो नॉर्मल आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं या होते क्वेश्चन, वो आसान होते हैं। आसान क्वेश्चन को आप लोग कर लेते हैं, जब उसी चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो आप फंस जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि आप लोग कठिन प्रश्न करने की आदत नहीं होती है। उसके बाद देखिए जरा कुछ अपडेट तो, यूपी टेट में ऑनलाइन आवेदन के लिए छात्र को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम निर्धारित नहीं की गई है। छात्रों ने यूपी टेट में परीक्षा के लिए डीएलएड बीटीसी व अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों आवेदक की उम्र की बात कर लें तो जो बच्चा डीएलएड करता है या बीटीसी करता है, ठीक है, डीएलएड में आपको एडमिशन तब मिलेगा जब आपकी मिनिमम एज 18 साल की होगी, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है एज को लेकर कि सभी बच्चों की एज मिनिमम 18 तो होगी, नहीं तो वो बच्चा डीएलएड या बीटीसी का कोर्स कर ही नहीं सकता। बाकी बात रही बीएड की, तो अगर बीएड करता करता भी उसकी एज 18 प्लस हो ही जानी है। ठीक है, उसके बाद अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश टीईटी चयन प्रक्रिया। यूपी टेट में ऑनलाइन आवेदन के बाद लिखित परीक्षा कराई जाती है और इसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये बात यहाँ पर सुपर टेट की है, यहाँ पर भैया यूपी टेट की नहीं है। यूपी टेट में क्या होता है, लिखित परीक्षा वही है आपका, ओएमआर बेस्ड पेपर होता है। ठीक है,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब चार विकल्प दिए जाते हैं, ऐसा मत सोचिए कि लिखित का मतलब क्वेश्चन अति लघु उत्तरी टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऐसा हुआ था, लेकिन हुआ था 68,500 शिक्षक भर्ती में, लेकिन दोस्तों जितना बड़ी धांधली इस वैकेंसी में हुई ना उतना कभी नहीं हुई। बार बार मामला कोर्ट चला गया, बार बार जब बच्चे पास होते थे जितनी बार मामला कोर्ट में जाता था वहाँ से आदेश होता था रीचेकिंग का, जितनी बार रीचेकिंग होती थी कभी सुनते हो कि 500 बच्चे और पास हो गए, फिर 1,000 बच्चे और पास हो गए, ये कैसे होता था? जितने बच्चों को पास होना चाहिए एक बार में हो जाना चाहिए, बार बार बच्चे कैसे पास हो रहे थे? ठीक है, लिखित परीक्षा होगी, मेरिट लिस्ट तैयार होगी, साक्षात्कार फिलहाल आपको बता दें सुपरटेट में अभी नहीं है, इंटरव्यू का राउंड नहीं है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये दोस्तों सीटेट के लिए क्या वेबसाइट अपडेट्स हैं उसको भी जरा हम इस वीडियो में देखेंगे। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं जहां पर ये नोटिस आई थी, ठीक है, जो आंसर की को चैलेंज करने वाली ये सब चीजें देखिए हो चुकी है। प्रोविजनल आंसर की आपने देख लिया होगा, आपको वैसे अपने नंबर मिला चुके होंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। लेकिन एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि नंबर मिला लिए उसको लेकर आपको डरना नहीं है। एक बात और देखिए जरा, जो कि बड़ी खबर है, पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, ये कैबिनेट का एक बड़ा फैसला है। ठीक है, यूपी बोर्ड में 5 दिन में पकड़े गए 65 सार्वर, 96,746 बच्चों ने पेपर भी छोड़ दिया। अब देखिए काफी बच्चे डर के मारे पेपर छोड़ देते, देखिए ये कोई विकल्प नहीं, आप लोग कभी पेपर मत छोड़ा करिए। जब आपने इतना पैसा दिया सब कुछ दिया तो भैया पेपर दे दीजिए ना, एग्जामिनेशन फॉर्म सब फीस आप सबमिट कर देते हैं आप, उसके बाद पेपर नहीं देते हैं। अरे पेपर दे के आइए, भले एक नंबर आए, दो नंबर आए, जीरो आ जाएगा ना, उससे क्या कम होगा? लेकिन पेपर देने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तरीका आपको पता चलता है कि पेपर में कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। देखिए होता क्या है, बहुत बार आप लोग पेपर देते होंगे, 15 क्वेश्चन है मान लेते हैं आपके सामने से, ठीक है, या 150 क्वेश्चन आपके यूपी टेट में है, पहली बार आप पेपर देने के कुछ नहीं आता, लेकिन आपसे 120 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाया, 30 प्रश्न आपसे छूट गए। जब आप नेक्स्ट टाइम तैयारी के साथ जाएंगे तब आपको ये बात पता होगी यार वो 30 क्वेश्चन हमसे छूटे कैसे थे। तो कम से कम कुछ नहीं तो टाइम मैनेजमेंट सीख के आएंगे, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही ना। हर बार पेपर को पास होने के लिए टॉप करने के लिए मत दीजिए, कुछ चीजें सीखिए, एक्सपीरियंसेस लीजिए कि कैसे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सीटेट को लेकर, फाइनल आंसर की को लेकर अलग अलग वेबसाइट पर न्यूज मीडिया के माध्यम से अलग अलग अपडेट सामने आ रही है। CBSE इस समय घोषित कर सकता है सीटेट दिसंबर 2022 के नतीजे, जाने मिनिमम मार्क्स। देखिए जागरण की तरफ से अपडेट आई थी, जोस की तरफ से अपडेट, हर जगह से अपडेट आ रही है। तो सीटेट और यूपीटेट का इस समय बोलबाला चल रहा है सोशल मीडिया पर, लगातार सोशल मीडिया पर तमाम तरह की देखिए अफवाहें भी चलती हैं, जब कोई न्यूज आने वाली होती है बड़ी ना तो सोशल मीडिया का जो मार्केट है वो काफी गर्मा गर्मी का हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। फिलहाल एक ही बात आप लोग से कहेंगे, देखिए बुधवार को योगी सरकार के बजट पर शहर के युवाओं ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कुछ युवाओं का कहा कि स्टार्टअप को प्रोत्साहित देने से नए उद्यमियों के लिए राह आसान होगी, बुनियादी ढांचे और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दुरुस्त होगी। कुछ अन्य युवाओं के मुताबिक बजट मात्र छलावा है, इसका कितना लाभ छात्रों, बेरोजगारों, नौजवानों को मिलेगा इस पर भी संशय है। विधि छात्र विनायक पांडे ने किसानों, शोषितों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के हक और उत्तर प्रदेश के विकास का बजट बताया है। इस चरण महाविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर गरिमा मौर्य ने कहा कि शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। तो ये सब दोस्तों बातें हैं, बाकी जो भी अपडेट्स आने वाले टाइम में सामने आएंगे उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल देखिए जो बीएड और बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब देखिए सब कुछ सुनवाई समाप्त हो गई है। उम्मीद था कि फरवरी के लास्ट तक हमें इसका फैसला देखने को मिल सकता है, लेकिन देखिए अभी एडमिशन का प्रोसेस भी चल रहा है। अगर अभी कोई खबर आ जाती है सुप्रीम कोर्ट से ना तो बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा एडमिशन में। अगर बीएड छात्रों की जीत हो जाती है, मान लेते बीएड छात्रों की जीत हो जाती है, तब क्या होगा कि जो कॉलेज हैं बीटीसी के या डीएलएड के उनमें भैया ताला लगना तय हो जाएगा। क्यों ताला लग जाएगा? जब बीएड करके ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौके के साथ साथ टीजीटी अन्य वैकेंसियों में मौका मिलेगा तो बीटीसी करने का कोई मतलब तब नहीं रह जाएगा। अगर बीटीसी छात्रों की मान लेते जीत हो गई इनकेस, तो फिर बीएड कॉलेजों पर ताला लगना तय है, क्योंकि बीएड करने के बाद आपको फायदा क्या होगा, कौन सी वैकेंसी बड़ी आपको मिल रही है, ठीक है। आप सभी बच्चों को सिर्फ एक ही उम्मीद है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती PRT, ठीक है, Class 1 to 5। जी हाँ, ताबड़तोड़ वैकेंसियां यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं और उम्मीद करेंगे सभी छात्रों को इसमें मौका मिले, चाहे बीटीसी का हो चाहे बीएड का हो। और आपके साथ शिक्षा मित्र भी सम्मिलित होंगे तो भैया तैयारी जम के करिएगा, ठीक है। शिक्षा मित्रों को 25 अंक का भारांक फ्री में मिलेगा आपसे, वो 25 नंबर पहले से ज्यादा रहने वाले हैं, वो भी फाइनल मेरिट के 25 नंबर, ठीक है, इंटर हाई स्कूल नहीं, फाइनल मेरिट के। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, और जल्दी सुपरटेट का विज्ञापन आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम को और बाकी अन्य लिंक है रिजल्ट के, चेक करिए, जैसे लिंक एक्टिवेट हो रिजल्ट डाउनलोड करिए, यूपीटेट में आवेदन करिए।
फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।